होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। सो ये है एक बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा पार्सल मेरा जो दराज से मुझे रिसीव हुआ है। बेसिकली ये है, खोल के बताऊंगी। अच्छा, इसमें कुछ धोखा हो गया मेरे साथ। और धोखा क्या हुआ मुझे ना, एक्चुअली यहाँ से रंग देख देख के पता चल गया। मैंने एक मंगवाया है ब्लैक में और एक मंगवाया है रेड में, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों ने अपनी मर्जी की है और दोनों ही रेड आ गए हैं। यहाँ जहाँ से ये थोड़े थोड़े से फटे हुए ना, वहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये रेड है, वो भी रेड है। तो मैं ज़रा फातिहा पढ़ लूँ अपने उस ऑर्डर पे जो मैंने असल में मंगवाया था। जो जो पढ़ना चाहे प्लीज़ वो भी पढ़ ले। अब देखते हैं कि टूटा पजा तो नहीं आया। अल्लाह का नाम लेके इसको हम ओपन कर रहे हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। अगर आपने अपना होम डेकोर जो है, लिविंग शिविंग, वो थोड़ा अपडेट करना हो तो आप इसको ले सकते हो। दिस इज़ व्हाट एक रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाता है। और अगर दराज 11-11 है, दराज 12-12 है, या कोई सेल लगी हो तो इस ऐसी चीज़ को आप ले सकते हो। एल्स आपको डिलीवरी चार्जेस ही मार डालेंगे, मैं सही बता रही हूँ। इट्स सो हैवी, लेकिन मैंने इसको हिला लिया। क्यों? क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ है। तो जो बच्चे खाना नहीं खाते उनसे रिक्वेस्ट है कि खाना खाया करें ताकि घर की चीज़ें हिला सकें। ओह तेरी खैर। अच्छा जी, अब ये क्लिंग शीट तो हिल गई है ना, इसकी वजह से पता चल रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। अच्छा, लेकिन नीचे से निकली नहीं, अभी प्रॉपर मैं निकालती हूँ। अल्लाह के नाम लेके शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेड रेड कलर में ही सही, जो एक ज़माने में मेरा मोस्ट फेवरेट कलर था। लेकिन आई वाज थिंकिंग इससे अच्छा था मैं ब्लैक ही मंगवा लेती दोनों, बट रेड इज़ नॉट डैट मच बैड, देखने में तो सही लग रहा है। तो इस टाइम पर मैं आपको ये भी बता दूँ, कैमरा मैन है मेरी अम्मी जान, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी जानना चाह रही अंदर क्या है, क्योंकि मैंने उनको नहीं बताया है। ये हमने सेफ्टी के लिए ऊपर रखा हुआ था अलग से कार्ड। सो हियर इट इज़। क्या लग रहा है मम्मा आपको, क्या ये? अभी नहीं गेस करना चाहेंगे। ओके जी, सो दीज आर टू वेलवेट के स्टूल्स। बेसिकली इनको कहा जाता है ऑटोमन पॉपी स्टूल्स, जो कि मैंने लिए हैं स्क्वेयर शेप में, बिकॉज राउंड शेप में लेना नहीं चाह रही थी। सो ये है इस तरह के, बहुत ही खूबसूरत है। आप इन पे बैठोगे आपको अच्छा लगेगा। ये देखें, कहते हैं इनके ऊपर प्रेशर डालो, जितना मर्जी डाल लो तो ये टूटते छूटते नहीं। वैसे मैं डालना नहीं चाह रही थी, फिर भी मैंने ट्राई कर लिया। सो हाउ डू यू फाइंड इट मामा? अच्छे, यू लाइक इट? इसमें था रॉयल ब्लू कलर, ब्लैक कलर और रेड कलर और क्रीम सा जो लाइट कलर होता है। तो मैंने देखे, बाद में मुझे पता चला दो रंग अलग अलग मैं ले लेती हूँ, तो मैंने अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ से ऑर्डर किया। बट नहीं, इन लोगों ने क्या हमेशा धोखा, ये कहते हैं आप यही रख लें। अब चाहूँ तो मैं क्लेम कर लूँ, चाहो तो वो कर लो, बट इट्स बेटर अब रख ही लेते हैं। बाय द वे, अब इसकी हम लेग्स देख लें, क्या वो पायदार हैं कि नहीं। ठीक है भाई, हर चीज़ सही है इसकी, तुम भी चेक करवाओ अपने आप को। तो प्रोडक्ट अगर आप देखो ना, तो थोड़ा देखभाल के ही लिया करो हमेशा। ऐसे सेलर से लो जो आपको डोज ज़्यादा ना करे, क्योंकि डोज थोड़ा बहुत तो बंदा होता ही है। दरअसल से जितनी भी मेरी शॉपिंग हुई उसमें ऐसा है। सो बेसिकली अब हम जाते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। तो ये है बेसिकली 1500 का और ये भी है 1500 का। तो DC आप लोग ऊपर डाल लें अपने एरिया वाइज, 250 रुपया DC पड़ जाती है आपको। और दो मंगवाए थे मैंने, इसका मतलब है वेट ज़्यादा होता है तो DC थोड़ी सी और इंक्रीज़ हो जाती है। तो मेरी अक्सर DC 600 तक चली जाती है। इतनी अमाउंट में ये बहुत रीज़नेबल है। अगर प्राइस की बात करें 1500 बहुत रीज़नेबल है। ये 17 इंच का है टोटल, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो, एक और दो मतलब ठीक है, सिटिंग वाइज ठीक है इतना। और ये एक्स्ट्रा स्टूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है, और अगर आप लोग लेंगे या ले चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हाँ जी, मैं थोड़ा थोड़ा तेज़ बोलती हूँ, वो एक्चुअली मैं मेरी नेचर ही है। ठीक हो गया। सो आप लोग वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता भी देख सकते हो, और जिनको जल्दी होती है उन्हें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये रहे मम्मा के जेन्युइन रिव्यूज, उन्हें नहीं पता कैमरा बंद नहीं हुआ। ये देखो कितना स्पेशियस है और उतने ही ये मुलायम से हैं, ये देख सकते हैं आप। तुम बैठ सकने ना, आप भी बैठ सकते हो। सो यहाँ पे बेसिकली हमने रूम में थोड़ी सी जगह जो है वो मैंने सफाई वगैरह की है, अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, दिखाती हूँ। दिस इज़ द एरिया, इंशाल्लाह हम इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे एक टेबल साथ में। तो मैंने कहा था एक ब्लैक हो जाएगा और एक रेड हो जाएगा, या दो ब्लू हो जाएंगे, बट वट एवर इट इज़। तो अभी ये डोर शोर लग जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको हम रखेंगे तो इसकी खूबसूरती निखर के आएगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि रूम एक्चुअली लग कैसा रहा है।